टू मैक्सिमम क्या होगा, सही ना, फॉर बफर कैपेसिटी टू बी मैक्सिमम पीएच इज टू पीके में प्रूफ करना है, फॉर बफर कैपेसिटी टू बी मैक्सिमम पीएच शुड बी इक्वल टू पीके ए, ये प्रूफ करना था हमें। तो एक बार नोट कर लेंगे जल्दी से कैसे प्रूफ करना है इसको, एक बार मैं तुम्हें जल्दी से हिंट देता हूँ कि हमने क्या किया अभी पीछे। देखो नोट करेंगे एक बार दोबारा से, हम यहाँ पे क्या प्रूफ कर रहे हैं कि बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होने के लिए सॉल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सॉल्ट इक्वल टू एसिड ये होना चाहिए, और पीएच जो है पीके ए के इक्वल आना चाहिए फॉर बफर कैपेसिटी टू बी मैक्सिमम, ये प्रूफ करना है हमें। फॉर बफर कैपेसिटी टू बी मैक्सिमम पीएच जो पीके होना चाहिए और सॉल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, सॉल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन इक्वल आना चाहिए, तो उसको प्रूफ कर रहे हैं हम, ध्यान देंगे। थोड़ा बहुत अभी मैंने डेरिवेशन पीछे बता दिया था, हिंट दे दिया पूरा डेरिवेशन का, लेकिन फिर भी दोबारा से देख लेंगे एक बार जल्दी से देखेंगे थोड़ा सा। ये जैसे पीएच जूल टू मारा था पीके ए, पीएच जूल टू क्या आ रहा था, पीके ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड कंसंट्रेशन, और सॉल्ट प्लस एसिड मैंने माना था एस प्लस ए को माना था जेड, तो यहां से आ जाएगा एस की जगह जेड माइनस ए, सॉल्ट की जगह आ जाएगा जेड माइनस ए, तो मैं पीएच टू आ जाएगा यहां से पीके ए प्लस लॉग ऑफ जेड माइनस ए अपॉन में ए। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। फिर मेरे को निकालना था बफर कैपेसिटी, मेरे को उसके लिए चाहिए डीए बाई डीपीएच, सही ना, एसिड बाय, तो उसके लिए मैं कर रहा हूं अभी डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू दिस ए एसिड के रिस्पेक्ट में, पीएच को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डी ए एसिड, तो ये आ गया जीरो प्लस लॉग ए अपॉन में लॉग लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वन बाय एक्स, तो ए अपॉन में जेड माइनस ए, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे कॉन्स्टेंट को, तो एक बार हमने लिया वन बाय ए को बाहर निकाला, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो वन बाय ए अलग किया तो जेड का डिफरेंशिएशन जीरो और माइनस ए तो माइनस वन हो जाएगा, ये माइनस वन हो जाएगा, प्लस जेड माइनस ए एक बार अलग किया और डिफरेंशिएट किया ए को तो माइनस वन बाय ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वन बाय ए स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस यहाँ पे बाहर लगा देता हूँ, ये प्लस हटा के माइनस लगा देता हूँ, अब माइनस ले लिया पूरे में कॉमन, dPh by dA, तो ये माइनस ले लिया कॉमन, माइनस ए अपॉन में जेड माइनस ए, ये आ गया यहाँ पे वन बाय यहाँ एलसीएम भी ले लेते हैं इधर ए स्क्वायर, तो ये आएगा ए प्लस जेड माइनस ए, ये आ जाएगा एक मिनट, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, एक ए से एक ए कैंसिल, ये आ गया, तो यहां से आ गया, मैं उल्टा कर रहा हूं उसको डीए बाई डीपीएच, उल्टा इसलिए किया ताकि ये डायरेक्ट, ये क्या है डायरेक्ट बफर कैपेसिटी, डीए बाई डीपीएच क्या बफर कैपेसिटी या बफर इंडेक्स, बफर इंडेक्स इसको वाई भी मान लेते हैं ताकि, क्योंकि एक बार और डिफरेंशिएट करना है इसको इसको मैक्सिमम करने के लिए, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको जीरो कर सकते हैं, तो यहां से डीए बाई डीपीएच को मैंने मान लिया ये बफर कैपेसिटी है, इसको मैं वाई मानूंगा, और ये आ गया यहां से ए इंटू, उल्टा करेंगे तो ए इंटू ए माइनस जेड कर रहा हूं मैं क्योंकि माइनस साइन लगा था ऊपर, ए इंटू ए माइनस जेड डिवाइडेड बाय, एक बार कैलकुलेशन चेक करते रहना, डिवाइडेड बाय जेड,
तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस ए जेड बाय जेड, ए स्क्वायर याद कर ए स्क्वायर बाय जेड माइनस वन माइनस ए, ए स्क्वायर बाय जेड माइनस ए आ गया, ए स्क्वायर बाय जेड माइनस ए। अब ये वाई मैंने मान लिया, ये आ गया हमारा बफर कैपेसिटी। अब इसको मैक्सिमम करेंगे, जब ये बफर कैपेसिटी है ये ढांकना है, इधर वैल्यू पुट करेंगे। नाउ फॉर दिस टू बी मैक्सिमम डी वाई बाय क्या निकाल लेंगे यहाँ पे डी ए, डी वाई बाई डी ए क्या आएगा टू ए बाय जेड माइनस वन, टू ए बाय जेड माइनस वन ये आ जाएगा। तो यहां से आ गया ये, इसको डी वाई बाई डी ए को जीरो कर दिया, टू ए बाय जेड माइनस वन, तो यहां से आ गया टू ए इज इक्वल टू जेड, और जेड को टू ए पुट करेंगे, ध्यान रखो जेड को टू ए जब यहां पुट कर देंगे जेड की जगह टू ए, जेड की जगह टू ए पुट कर देंगे, तो ये आ गया हमारा एस प्लस ए इज इक्वल टू टू ए, यानी एस इज इक्वल टू ए आ गया। और एस को जब ए पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, एस को ए पुट कर देंगे तो यहाँ पे लॉग वन आ जाएगा, लॉग वन होता है जीरो, पी एच इक्वल टू पी के आ जाएगा, तो पी एच क्या आ जाएगा पी के। नहीं समझ आया कैसे किया डेरिवेशन बोलो? तो ये था फॉर बफर, बफर कैपेसिटी टू बी मैक्सिमम पी एच इक्वल टू पी के होना चाहिए, सॉल्ट का कंसंट्रेशन एसिड के इक्वल होना चाहिए। किसी को पूछना दोबारा कुछ इसमें? ये यहाँ पे जो प्रूफ किया हमने, सॉल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन इक्वल होना चाहिए, और दूसरा पीएच इक्वल टू पीके होना चाहिए फॉर बफर कैपेसिटी टू बी मैक्सिमम, ये प्रूफ कर दिया हमने। पहले मैंने ओरली बताया था, ये हमने प्रूफ कर दिया। बोल बोल चिराग। सर जब आपने डीपीएच बाय डीए जो पहला वो लिखा है इक्वेशन, उसमें सर आपने 1 बाय a इनटू में माइनस 1 माइनस लिया है आपने माइनस। सर प्लस आता है ना, प्लस कैसे आएगा सर प्रोडक्ट रूल में? तो माइनस बाहर कॉमन लिया ना यहाँ पे, ये माइनस था, माइनस पूरे में माइनस बाहर ले लिया, तो ये माइनस बाहर आ गया, तो सब प्लस हो जाएंगे ना अंदर। लेकिन माइनस आता ही नहीं है ना, प्लस आता है प्रोडक्ट रूल में तो। अरे इसका माइनस ये वन बाय ए का जब डिफरेंशिएट करेगा तो माइनस वन बाय ए स्क्वायर नहीं आएगा सर? क्या कहते हैं जैसे ये होता है ना वी डी यू बाई डी एक्स बाय प्लस में यू डी वी बाई डी एक्स, ये इसमें कोई गलती नहीं है, चेक ये तो प्रोडक्ट रूल चेक कर एक बार डिफरेंशिएशन का, एक बार एक को कांस्टेंट मानते हैं दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार दूसरे को कांस्टेंट मानते हैं पहले को, ठीक है सर? लेकिन आता तो दोनों प्लस है ना, माइनस थोड़ी होते हैं दोनों, दोनों ऐड होते हैं ना। तो माइनस मैंने कहां लगाया है सर? दोनों के बीच में। अरे तो ये तो माइनस वन बाई ए स्क्वायर आता है, उसका माइनस है ना, डिफरेंशिएट जब वन बाई ए को डिफरेंशिएट करेगा तो क्या आएगा उसका डिफरेंशिएशन? अच्छा सर आपने पहले अच्छा वो लगा दिया, ये खुद करना है वाली चीज, कैलकुलेशन थोड़ी बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है सर सॉरी। चलो ये यहाँ पे खत्म हो गया। फॉर बफर कैपेसिटी टू बी मैक्सिमम, ध्यान रखना सॉल्ट इज इक्वल टू एसिड का कंसंट्रेशन इक्वल आएगा, सॉल्ट एसिड का इक्वल आएगा और पीएच इक्वल टू पीके आएगा। बेसिक होता तब भी मैं कहूंगा सॉल्ट आएगा एसिड के इक्वल, पीओ इक्वल टू पीके भी आएगा। और ये सेम कंडीशन, ये वाली दो कंडीशन किसकी थी? सेम कंडीशन किसकी थी जो हमें प्रूव करना है? हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट की भी सेम कंडीशन है। क्लियर? हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट की ये सेम कंडीशंस हैं, कोई डाउट तो नहीं है? चलो यहां तक क्लियर हो गया है, हाँ यहां तक सबको क्लियर हो गया है। अच्छा नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट इसके अंदर चलो एक क्वेश्चन, जैसे अगर ये बोल दिया देखना पीके ए दे रखा है सपोज एनएच फोर प्लस का, पीके ए दे रखा है एनएच फोर प्लस का 9.26, पीके ए दे रखा है एनएच फोर प्लस का 9.26, हेंस इफेक्टिव पीएच रेंज रेंज फॉर एनएच फोर ओ एच एनएच फोर सी एल बफर, इसकी इफेक्टिव पीएच रेंज क्या होगी? हेंस इफेक्ट विल बी, बताओ क्या होगी इसकी इफेक्टिव पीएच रेंज?
पीएच रेंज क्या होगी इसकी? बोलो इफेक्टिव पीएच रेंज क्या होगी? देखो सर, पहले तो हमें चाहिए केबी किसका चाहिए, एनएच फोर ओ एच का, केबी किसका चाहिए, एनएच फोर ओ एच का, और दे किसका रखा है, एनएच फोर प्लस का, तो पीकेबी जो है वो हो जाएगा हमारा 4.74। अब फॉर्मूला लगेगा बफर कौन सा है, बेसिक, तो फॉर्मूला लगेगा पीओ चलू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस, ये फॉर्मूला लगेगा। अब सॉल्ट बाय बेस क्या हो सकता है, सॉल्ट बाय बेस या तो 10 होगा या 1/10 होगा, यही तो होगा, बस वैल्यू पुट कर दो, ये 4.74 है, प्लस वन करो एक बार तो ये आ गया 5.74, और एक बार पीओ क्या निकलेगा, 5.74 है तो इसमें कर देंगे 4.74 माइनस वन, यानी 3.74 आ गया, तो 3 ऐसा आ जाएगा, मैं अलग से लिखता हूँ उसको, पीएच आ गया 10.26। आंसर ये है 8.6 से 10.26 में आया, समझ के नहीं है, किसी ने निकाला था ये इफेक्टिव पीएच रेंज, बोलो किसी ने निकाला था कि नहीं। चलो यहाँ पे हमने बफर का जो कंसेप्ट है वो फॉर्मूला मैं डिराइव करा चुका था, हेंडरसन से क्वेश्चन जो थी वो मैं पहले ही डिराइव करा चुका हूँ, समझ आ गया, समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं? हाँ सर आ गया। चलो न्यूमेरिकल नोट करना है। न्यूमेरिकल 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 इसमें चलो न्यूमेरिकल C6H5NH2 ये दे रखा है, सपोज 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर, प्लस दे रखा है तुम्हें से HCl दे रखा है 50 मिलीलीटर ऑफ 0.05 मोलर, और पीके दे रखा है C6H5NH3+ का 8, फाइंड पीएच, पीएच निकालो उसमें, पीएच क्या होगा जल्दी से निकालो,
निकल गया आंसर, देखो उधर। CCH5NH2 प्लस HCl क्या बन जाएगा? CCH5NH3 प्लस Cl नेगेटिव, ये बन गया। तो इसमें चेक करते हैं, ये दे रखा है 10, 100 इंटू 0.1 मोलर 10 दे रखा है, 15 इंटू 0.05 मोलर ये दे रखा है हमारा 2.5, ये 0 हो गया, ये 7.5 हो गया, ये हमारा आ जाएगा 2.5, ये 2.5 आ गया। तो POH आ जाएगा यहाँ से PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन में बेस, सॉल्ट अपॉन में कंजुगेट एसिड लिखना, बेस नहीं कंजुगेट एसिड, नीचे बेस आएगा ऊपर आएगा कंजुगेट एसिड, सॉल्ट की जगह क्या लिखना है कंजुगेट एसिड, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया कंजुगेट एसिड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट कई बार गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे PKB, PKB की वैल्यू कितनी है, PKB की वैल्यू लेंगे 6, क्योंकि ये PKa की वैल्यू है, हमें क्या चाहिए बेस का डिसीजन कांस्टेंट, तो ये 6 आ जाएगा प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन में बेस, सॉल्ट हमारा है 2.5 बाय टोटल वॉल्यूम भी करना जरूर, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा 150, वो कैंसिल हो जाएगा वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मेलिटी निकालेंगे तो ये करना पड़ेगा, 2.5 बाय 150 अपॉन में 7.5 बाय 150, तो सॉल्व कर लेंगे लॉग 1/3 आएगा, 6 माइनस log 3 हो जाएगा 6 माइनस 0.48, 6 माइनस 0.48, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, समझ गए कि नहीं, पीएच आ जाएगा इससे, तो पीएच हो जाएगा 8 प्लस 0.,  ये आएगा 5.52 और पीएच आ जाएगा 12.12, ये आ जाएगा 8.52 48 है ना 8.48, ये पीएच आ जाएगा। तो ये आंसर है, किसी ने निकाला था सही? यस सर। नेक्स्ट, तो कुणाल बोल दिया अगर आंसर, तो स्टार्ट कर दूं तो कल क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं थी, कुणाल हो सकती थी कल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलो एक और लेते हैं। क्वेश्चन देखा है, सेड 200 मीटर ऑफ टू हंड्रेड मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर फॉर्मिक एसिड प्लस 50 मिलीलीटर, इजी रहेगा, 50 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मिक्स किया हुआ है और तुम्हें दे रखा है डिस्यूशन कांस्टेंट ऑफ HCO नेगेटिव दे रखा है 10, पीएच निकालना तुम्हें, फाइंड पीएच। निकालिए आंसर, देखो उधर HCOOH है,
होल ट्वाइस सी ए। देखो पहला दे रखा 200 इंटू 0.1 यानी 20, दूसरा 15 इंटू 0.1 यानी 5 मिलीक्वेंट्स, इसका इन्फेक्टर तो 2 है कहने को, इन्फेक्टर 2 है तो इंटू 2 भी करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 10 बचेगा, ये 10 बचेगा, टोटल वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा 250, टोटल वॉल्यूम यहाँ पे भी आएगा 250, टोटल वॉल्यूम 250 आ जाएगा, समझ गए कि नहीं ये? तो अब यहाँ पे चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं इसमें, अब क्योंकि जो ये नॉर्मेलिटी आई है, ध्यान रखना ये नॉर्मेलिटी आई है, तो नॉर्मेलिटी चाहे उसकी आयन की हो या उस सॉल्ट की हो, वो सेम रहती है नॉर्मेलिटी। तो इसमें पीएच जो लगेगा पीकेए, पीके हो जाएगा हमारा 4, क्योंकि मैंने पीके क्या दे रखा है, पीके भी दे रखा है, हमें चाहिए पीके पीए वैल्यू 4, और यहाँ पे 10/250 अपॉन में 10/250 दोनों सेम रहेगा, ध्यान रखना। अब इसमें आना चाहिए ऊपर क्या आना चाहिए, कंजुगेट बेस अपॉन में एसिड आना चाहिए था, ये आना चाहिए था, कंजुगेट बेस जो है यहाँ पे एच सी ओ नेगेटिव है, कंजुगेट बेस क्या है एच सी ओ नेगेटिव, लेकिन फिर भी मैंने एच सी ओ भी नेगेटिव तो ट्वाइस होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने सेम रख क्यों रखा, क्योंकि नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी सेम रहेगी। तुम इसको एक बार मोलरिटी में कन्वर्ट करो, मोलरिटी में कन्वर्ट करोगे तो बाय टू करना पड़ेगा, है ना, बाय टू करना पड़ेगा, और फिर इंटू टू करोगे क्योंकि होल ट्वाइस है, इसके बाद एक ही आ जाएगी, इसके बाद एक ही आ जाएगी, तो नॉर्मेलिटी दे रखी है तो डायरेक्ट कर देना इसको। नहीं समझ आया क्वेश्चन, तो इसका आंसर सीधा आ गया पीएच इक्वल टू 4। ये बात समझ आ गई कि नहीं, मैंने क्या बोला है, कंजुगेट बेस यहाँ पे होना चाहिए था ट्वाइस। हाँ बोलो सर, जो सॉल्ट बनेगा वो 5 मोल नहीं बनेगा, क्यों, मिलिक्विलेंट्स है, मिलिक्विलेंट्स जो मिलिक्विलेंट खत्म होंगे वही मिलिक्विलेंट बनेंगे, या तो मोल्स में कन्वर्ट करके करो क्वेश्चन को। ओके सर, या तो मोल्स में कन्वर्ट कर लो तब करो क्वेश्चन, नहीं समझ आ रहा है। देखो इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो बेशक, नेक्स्ट शीट में मैं कर देता हूं। देखो एच सी ओ ओ एच है प्लस सी ए ओ होल ट्वाइस, ये आएगा एच सी ओ ओ होल ट्वाइस सी ए, ये ट्वाइस करना पड़ेगा जरा, तो ये कितना 200 इंटू 0.1 मोलर था क्या, चेक करने के बाद 200 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 1000 आएगा, 200 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 1000 20 मिलीमोल आ जाएगा, 20 मिलीमोल, ये 20 मिलीमोल है, और ये था 50 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 1000, ये 5 मिलीमोल आएगा, ये 5 मिलीमोल आया। तो अब देखो इधर मिलीमोल्स हैं, ये ध्यान रखना इस चीज का, ये मिलीमोल्स हैं, मिली इक्विवेलेंट्स नहीं है अभी। अब अगर ये एक खत्म होता है तो ये दो खत्म होता है, दो खत्म होता है, यानी अगर ये 5 खत्म होगा, ये 5 पूरा खत्म होगा तो ये 10 खत्म होगा, नहीं समझ रही बात, तो 10 बचेगा और ये 5 खत्म होता है तो ये 5 ही बनेगा, तो ये 5 बन जाएगा मिलीमोल, 5 मिलीमोल बन गया ये। अब मेरे को चाहिए इसके अंदर एच सी ओ होल ट्वाइस के कितने मोल्स हैं, तो उसको इंटू टू करना पड़ेगा, तो वो जाएंगे 10 मिलीमोल्स, मिलीमोल कितने हो गए ऑफ एच सी ओ ओ होल ट्वाइस सी ए के और एच सी ओ नेगेटिव के, टेन हो जाएंगे कि नहीं, डबल हो जाएंगे कि नहीं इसके, यस सर डबल हो गए, तो बाय में टोटल वॉल्यूम कितना है 250, बाय में टोटल वॉल्यूम कितना है 250, बात वही आ गई कि नहीं, नहीं समझ आया अभी, आ गया सर, तो इसलिए सेम आएगा मिलीक्वेंट से, इजी हो जाता है, नॉर्मेलिटी आती है ना, तो चाहे आयन हो चाहे सॉल्ट हो नॉर्मेलिटी क्या रहती है, सेम रहती है, कोई डाउट तो नहीं आता किसी को, नो सर। तो पीएच इससे भी 4 आ जाएगा भाई, नेक्स्ट नोट करने आगे। नेक्स्ट सपोज चलो एक बेसिक सा क्वेश्चन एक और करेंगे, क्वेश्चन है गिवन 0.1 मोलर तुम्हें दे रखा है एसिटिक एसिड और
0.15 मोलर दे रखा है, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, और पी के ए की वैल्यू दे रखी है एसिडिक एसिड की, एसिड ए डॉट ए है ना, एसिडिक एसिड 5 वैल्यू दे रखी है, और बोला तुम्हें पीएच निकालो इफ, फाइंड पीएच इफ, पहले इनिशियल पीएच तो निकालना ही, फाइंड पीएच, फाइंड पीएच लिख दो यहाँ पे, फाइंड पीएच, फिर अगला है अगला पार्ट, अगला पार्ट इसके अंदर सेकंड पार्ट, इफ 0.01 मोल ऑफ एचसीएल, इफ 0.01 मोल ऑफ एचसीएल इज एडेड, इज एडेड देन फाइंड पीएच, सिमिलरली थर्ड पार्ट भी ऐसे ही ले लो, इफ 0.01 मोल ऑफ NaOH इज एडेड, इफ 0.01 मोल ऑफ NaOH इज एडेड देन फाइंड पीएच, समझ गए नहीं, क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं? आ गया सर।
देखो सर आंसर देखेंगे एक बार, पहला पीएच क्या रहा होगा, इनिशियल पीएच पीके ए 5 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट यानी 0.15/0.1, लॉग 3/2 आ जाएगा, लॉग 3/2, लॉग 3.48/0.18, 5.18 आ जाएगा आंसर। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। तो ये आ गया पहला पीएच, इनिशियल पीएच ये रहा होगा। अब हमने इसके अंदर जब हमने डाल दिया सपोज 0.01 मोल एचसीएल डाल दिया, एचसीएल डालेंगे तो एचसीएल किससे रिएक्ट करेगा, इन दोनों में से किससे रिएक्ट कर जाएगा, एचसीएल CH3CO1 से। ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, एचसीएल डाल दिया तो ये रिएक्ट कर जाएगा सॉल्ट के साथ, CH3COOH आ जाएगा प्लस NaCl, CH3CONa है 0.15 मोलर, 0.15 मोलर है ये, तो 0.01 मोल डाल दिया हमने HCl, तो ये कितना बचेगा, और एसिड पहले से कितना था 0.1 मोलर। जब ये 0.01 खत्म हो जाएगा पूरा, तो ये 0.01 खत्म होगा तो 0.14 बचेगा, और ये 0.01 इधर आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया एसिड बचा 0.11, सॉल्ट बचा 0.14, तो पीएच आएगा पीकेए वो है 5 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट है 0.14/0.11। समझ आया कैसे किया है, कोई डिफरेंस आ रहा है खास? नो सर। और डिफरेंस तो कोई खास आ नहीं रहा, ये चीज ध्यान रखेंगे, एसिड डाला तो पीएच क्या होगा, एसिड डाला तो पीएच, बफर सॉल्यूशन में एसिड डाल देंगे तो पीएच कम होगा बढ़ेगा, एसिड डालने से पीएच हमेशा क्या होगा, कम होगा, कम हो जाएगा पीएच की बढ़ेगा, बताओ। बोलो सर कैसे कम होगा? हाँ एसिड डालने से पीएच क्या होगा, वैसे कम हो जाएगा ना। और अब नेक्स्ट केस देखेंगे, बेस, बेस डालेंगे तो क्या होगा, बेस किससे रिएक्ट करेगा, ये समझ आ गया सबको कि नहीं? एसिड पहले से इतना था, एसिड पहले से 0.11 था, अब 0.01 उसमें ऐड हो जाएगा तो 0.11 हो जाएगा, बेस में से कम हो जाएगा। डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, जितना एसिड डाला है उतना एसिड एसिड के मोल्स में बढ़ा देना, उतना एसिड यानी उतने मोल्स बेस से कम कर देना। नहीं समझ आ रहा? समझ आ गया कि नहीं? हाँ सर। अब उसके बाद हमने डाला 0.01 मोल NaOH, तो क्या होगा, 0.01 मोल NaOH डाल दिया, तब किससे रिएक्ट करेगा NaOH? CH3COH। हाँ वो रिएक्ट, थर्ड पार्ट देखेंगे, वो CH3COH से रिएक्ट करेगा, और अब पीएच बढ़ेगा, देखो कैसे, CH3COONa प्लस H2O। तो ये था हमारा 0.1, ये 0.01 डाला हमने, तो ये जीरो हो जाएगा, ये पहले से सॉल्ट था 0.15, तो ये जीरो हो गया, ये 0.09 हो जाएगा, और ये हमारा 0.15 प्लस 0.01 हो जाएगा, यानी 0.16 हो जाएगा। कर लोगे ऐसे कि नहीं? अब पीएच क्या आएगा, 5 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट यानी 0.16/0.09। नहीं समझ आया? Yes. तो इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। एक क्वेश्चन और देखिए, पहले से तो कम है, हैं सर एसिड डालने से पहले से कम है। हाँ पीएच एसिड डालने से कम होगा ना पीएच, और बेस डालने से बढ़ेगा, एसिड डालने से पीएच तो कम ही होगा ना। हाँ यस सर, एसिड डालने से पीएच कम होगा, बेस डालने से बढ़ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन जल्दी से लिखेंगे, जल्दी आंसर बताना इसका। गिवन से 10 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर CH3COH, CH3COH 0.1 मोलर NaOH इज देन एडेड, इसका वॉल्यूम नहीं बताया, इज देन एडेड, और बोला तुमसे
कैलकुलेट पीएच एट फर्स्ट पार्ट है हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट. थ्री फोर्थ इक्विवेलेंट पॉइंट. इक्विवेलेंस पॉइंट जल्दी से निकालेंगे आंसर. देखो इसका आंसर तुम देख लो नहीं तो टाइम हो जाएगा इसमें. देखो इसमें कैसे करना है तुम्हें. सी एस थ्री सी ओ एच है हालांकि डायरेक्ट आंसर इसका भी बोल सकते हो तुम. एन ओ एच डाला इसके अंदर सी एस थ्री सी ओ एन ने. डिटेल की जरूरत है ही नहीं कोई भी इसमें. जो डेटा दे रखा ना उसकी जरूरत ही नहीं है. मान लिया मैंने अगर ये 10 मिलीटर देखो 10 मिलीटर 0.1 मोलर है ये 0.1 मोलर है. हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या होगा कि ये 5 मिलीलीटर डाला यही तो मतलब होगा इसका. समझे कि नहीं. ये हाफ का मतलब क्या होगा ये 5 डाला है. अदरवाइज मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ ये ए माना मैंने तो ये हमने ये कितना डाला होगा इसका मतलब आधा ये खत्म हो जाए. कब खत्म होगा जब ये आधा डालेंगे तो ये आधा बचेगा और आधा ये बचेगा तो पीएच क्या आ जाएगा. अगर पीके की वैल्यू ले लो 5 पीके की वैल्यू 5 तो पीएच क्या आ गया पीके ए 5 प्लस लॉग ऑफ ए बाय 2 अपॉन ए बाय 2. नहीं समझ आया ये. आया समझ के नहीं ये. यस सर. तो ये हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट यही मैंने तुम्हें बताया था ना पीएच इक्वल टू हमेशा पीके ए आएगा हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पे. पीछे बताया था तुम्हें अगर ध्यान हो तो. यस सर. पीके ए के इक्वल हमेशा आगे ना हमेशा इक्वल. और अगर 3/4 इक्विवेलेंट पॉइंट है मींस 3/4 एसिड खत्म हो गया है. नेक्स्ट पार्ट देखेंगे. 3/4 इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब 3/4 एसिड खत्म हो गया है तो बचा कितना 1/4. नहीं समझे. ए था 3/4 खत्म 3/4 इक्विवेलेंट पॉइंट तो 3/4 खत्म होने का मतलब है ये ए बाय 4 बचेगा ये 3a/4 बनेगा तो पीएच क्या आ जाएगा पीके 5 प्लस लॉग ऑफ 3a/4 अपॉन में ए बाय 4. नहीं समझ आया. आ गया सर. कोई डाउट तो नहीं है. नो सर. और जब इक्विवेलेंस पॉइंट बोलूंगा तो ये दोनों पूरे खत्म हो जाएंगे. ये भी पूरा खत्म ये भी पूरा खत्म और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कांसेप्ट लगाना. समझ गए कि नहीं. यस सर.